2 दिसंबर को डबरा से सैकड़ों की संख्या में किसान दिल्ली कूच के लिए 6 महीने का राशन लेकर निकले थे, जिन्हें आज 20 दिन हो चुके हैं और आज से हरियाणा के पतवल बॉर्डर पर भूख हड़ताल पर बैठ चुके हैं। डबरा से निकाले किसानों को हरियाणा के पतवल बॉर्डर NH2 हाईवे पर रोक दिया गया था, आज भी वे वहां पर डटे हुए हैं। किसानों का कहना है कि हम घर तभी जाएंगे जब तक कि सरकार हमारी मांगे नहीं मान लेती, चाहे हमें कितना भी समय क्यों ना लग जाए। पतवल बॉर्डर पर हरियाणा सरकार द्वारा भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद है। डबरा शहर से गए युवराज रावत व गुरपाल ढिल्लो भूख हड़ताल पर आज 11 बजे से देश के अन्य राज्यों के 9 किसान साथियों के साथ बैठ गए हैं। हरियाणा किसानों का नेतृत्व कर रहे किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी भी धरने पर आकर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। मध्य प्रदेश व अन्य राज्यों के किसान भी भूख हड़ताल पर बैठे हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राज रावत है, मैं ग्वालियर डबरा का रहने वाला हूँ। आज जो आप लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमारे वरिष्ठ नेतृत्व का हमें आदेश है कि जब तक हमारी मांगे स्वीकार नहीं होती तब तक हम यहाँ पलवल बॉर्डर पर जो हमारे बाकी साथी हैं वो 11-11 लोग करके जो है हर 24 घंटे में बदल बदल कर भूख हड़ताल पर बैठेंगे। और अगर आपकी मांगे हैं जैसे पूरी नहीं होती तो आगे की कार्रवाई क्या रहेगी? देखो, ये तो पहले से ही निश्चित था। 2 तारीख को जब हम आए थे तब हम कहकर आए थे घर से कि 6 महीने तक भी अगर हमारी मांगे स्वीकार नहीं हुई तब भी हम बैठेंगे, 6 साल तक भी हमारी मांगें स्वीकार नहीं होती तब भी हम धरने पर ही बैठे रहेंगे। और जिस प्रकार से केंद्र सरकार का जो रवैया किसानों के प्रति है वो कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है इस समय कि जो अन्नदाता है देश का उसी को ही नकारा जा रहा है और जो फर्जी किसान है उन्हें किसान बताया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।